ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा मित्रों। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे हरितालिका तीज व्रत के 11 नियम जो कि बहुत ही जरूरी होते हैं और जिनका पालन करना हर एक महिलाओं को अनिवार्य होता है। तो कौन से वो 11 नियम है दोस्तों जो कि तीज व्रत में पालन करना चाहिए, आइए विस्तार पूर्वक जानते हैं। मित्रों हरितालिका तीज व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को रखा जाता है। ये व्रत जो है दोस्तों व्रत कुमारी और सौभाग्यवती स्त्रियां करती है। ये व्रत जो है निराहार और निर्जला किया जाता है। ऐसा माना जाता है दोस्तों कि यह व्रत सबसे पहले माता पार्वती ने भगवान शंकर को पति के रूप में पाने के लिए किया था। इस व्रत को करने से महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और इस बार हरितालिका तीज व्रत 30 अगस्त को है। आइए जानते हैं दोस्तों इसके 11 नियम। दोस्तों इस व्रत में अन्न और जल ग्रहण नहीं किया जाता है। व्रत के बाद अगले दिन जल ग्रहण करने का विधान है। अगर एक बार इस व्रत को शुरू कर दिया तो इसे बीच में आप छोड़ नहीं सकते हैं। इस व्रत में रात भर जागरण करना बहुत ही अनिवार्य होता है दोस्तों। ये व्रत कुवारी कन्या सौभाग्यवती स्त्रियां करती है। विधवा महिलाओं द्वारा भी इस व्रत को करने का कहीं कहीं विधान है दोस्तों। दोस्तों जो ये हरितालिका तीज पर माता पार्वती और भगवान शंकर की पूजा विधिवत रूप से सच्चे भाव से करें। इस व्रत की जो पूजा है वो प्रदोष काल में होती है। इस व्रत की पूजा में भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश की बालू, रेत व काली मिट्टी से मूर्तियां बनाई जाती है। पूजा स्थल को फूलों से सजाएं। एक चौकी ले दोस्तों, उस चौकी पर केला का पत्ता रखे। चौकी पर भगवान शंकर, माता पार्वती और भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित करें। फिर देवताओं का आह्वान करते हुए भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश का षोडशोपचार पूजन करें। सुहाग की पिटारी तैयार करें जिसमें सुहाग से संबंधित सारी वस्तु रखें। फिर इस पिटारी को माता पार्वती को चढ़ाएं। भगवान शिव को धोती और अंगोछा चढ़ाएं। सुहाग सामग्री सास के चरण स्पर्श करने के बाद ब्राह्मणों और ब्राह्मण को दान कर दे। इस व्रत की कथा जरूर सुने और रात्रि भर जागरण अवश्य करें। आरती के बाद सुबह माता पार्वती को सिंदूर चढ़ाएं और ककड़ी और हलवे का भोग लगाकर अपना व्रत खोले। तो दोस्तों ये 11 नियम है जो कि प्रत्येक सौभाग्यवती स्त्रिया को करना चाहिए। उम्मीद है आज की ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो चैनल को एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।